हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी क्यूरियस राइड में। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि बनाई तो स्पेस के लिए गई थी लेकिन यूज़ हमारी अर्थ पे होने लगी और हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करने लगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पर आता है मेमोरी फोम। इसे नासा द्वारा बनाया गया था। स्पेस शटल की लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट को झटके या फिर चोट ना लगे इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल अपने बिस्तर पर गद्दे के रूप में करते हैं जो कि हमें बहुत आराम भी देता है। सेकंड नंबर पर आता है डस्ट बूस्टर। इसे चांद या फिर किसी दूसरे ग्रह की मिट्टी के सैंपल लेने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि आज हम अपने ऑफिस और अपने घरों में साफ सफाई के लिए यूज़ करते हैं और हम इसे कॉमन लैंग्वेज में वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। अब थर्ड नंबर पर आता है स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास, जिसका यूज़ एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के फ्रंट कांच बनाने में किया जाता है, जिससे उस पर स्क्रैच नहीं आते और उस पर किसी भी प्रकार की धूल नहीं जमती। लेकिन अब इसका यूज़ हमारे यहाँ पर कंपनियाँ अपने ग्लासेस और हेलमेट बनाने में भी कर रही हैं। अब फोर्थ नंबर पर आता है आर्टिफिशियल लिम्स। जिन लोगों को यह नहीं पता आर्टिफिशियल लिम्स क्या होता है तो हम उन्हें बता दें। जैसे किसी इंसान के हाथ या पैर कट जाते हैं तो हम उसे आर्टिफिशियल हाथ या पैर लगा देते हैं। इसे नासा द्वारा बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था उनके रोबोट के हैंड के लिए, जो कि एस्ट्रोनॉट का काम आसान करते थे और वह जल्दी काम कर देते थे। लेकिन इसका यूज़ अब हम अपनी लाइफ में दिव्यांग लोगों के हाथ या पैर लगाने में करते हैं, जिनसे उनका जीवन बहुत ही आसान हो गया। अब फिफ्थ नंबर पर आता है कैमरा फोन। इसे नासा द्वारा बनाया गया था, जो कि स्पेस शटल में इंस्टॉल किया जाता था और किसी भी ग्रह की HD फोटो ले ली जाती थी। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे मोबाइल बनाने में किया जाता है, जिसमें हमारे HD कैमराज आते हैं। अब सिक्स नंबर पर आता है वाटर प्यूरीफायर। इसे नासा ने अपोलो मिशन के दौरान अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी प्यूरीफाई करने के लिए की थी। इसे चारकोल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि अब हमारे वाटर प्यूरीफायर में यूज़ की जाती है। अब सेवन नंबर पर आता है वायरलेस हेडफोन, जो कि हम सभी जानते ही हैं। इसे नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट के बेहतर कम्युनिकेशन के लिए बनाया था, कि एस्ट्रोनॉट वायर उलझने की चिंता करे बगैर इसका यूज़ कर सकें। अब यह टेक्नोलॉजी हमारे वायरलेस हेडफोन के रूप में यूज़ की जाती है। एट नंबर पर आता है फ्रीज ड्राइड फूड। इसका यूज़ एस्ट्रोनॉट को स्पेस मिशन के दौरान खाने की क्वालिटी और उसे प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था, जो कि अब हमारे यहाँ कई इंडस्ट्री अपने फूड को प्रिजर्व करने और लोगों को नया टेस्ट देने के लिए इसका यूज़ कर रही है। अब नाइन्थ नंबर पर आता है पोर्टेबल कंप्यूटर। ग्रिड कंपास नामक पोर्टेबल कंप्यूटर नासा ने बनाया था, जो कि एस्ट्रोनॉट को बेहतर कम्युनिकेशन प्रदान करता था, जो अब मॉडिफाई करके हमें लैपटॉप के रूप में दिखाई देता है और जो कि अब हम सभी के पास होता ही है। टेंथ और लास्ट नंबर पर आता है स्मोक डिटेक्टर। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आग लगने पर हमें इन्फॉर्म कर देती है। यह इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि कभी स्पेस स्टेशन में आग लग जाए तो वह एस्ट्रोनॉट को पहले ही इन्फॉर्म कर दें। लेकिन अब इसका यूज़ हमारे यहाँ किया जाने लगा है, सभी पब्लिक प्लेस जैसे थिएटर्स और स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा। अब यह इसका यूज़ हमें सभी जगह पर दिखाई दे। दोस्तों, साइंटिस्टों ने हमारी जाने जाने में लाइफ आसान बना दी, तो इसके लिए एक थिंग्स तो बनता है जो कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आज के हमारी ऐसी चीज़ें जो कि स्पेस के लिए बनाई गई थी लेकिन यूज़ हमारी अर्थ पर होने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।